श्री राम, पार्वती फुलालो रे जय श्री राम, पार्वती फुलालो रे जय श्री राम। जैसे कि आप सभी को पता ही है, हमारा आने वाला है झारखंड का बड़ा पर्व करम पूजा, जो कि हम सभी लड़कियों का फेवरेट फेस्टिवल होता है गाइज, और मेरा भी वो फेवरेट फेस्टिवल है। और करम पूजा का हम सभी लड़कियों को, साथ ही पूरे झारखंड वासियों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। तो करम पूजा हम भाई के लिए करते हैं, और आज से 7 दिन के बाद में हमारा आने वाला है करम पूजा। करम से पहले कुछ नियम वगैरह सब होते हैं, जैसे कि जवा उठाना, उसका सेवा करना। तो बहुत से लोग ये सब तो अपने गांव घर में देखे ही होंगे कि किस प्रकार से जवा उठाया जाता है, साथ ही उसका सेवा किया जाता है। तो अभी हमारे गांव के जितने भी लोग हैं, कर्मितिन बोला जाता है जो करम पूजा करते हैं उन सभी को, और अभी सभी को हम लोग सारे मिलके जा रहे हैं जवा उठाने के लिए। नदी से बालू लेके आएंगे, फिर उसके बाद जवा उठाएंगे। तो इस ब्लॉग में हम आप सभी को दिखाएंगे कि करम का जवा किस प्रकार से उठाया जाता है और किस प्रकार से उनका सेवा किया जाता है 7 दिनों तक में। तो चलिए आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। गाइस अभी निकल चुके हैं नदी जाने के लिए, और देखिए इधर कर्मिति लग सभी को है, जोहार सभी को। और देखो चीकू इधर भी जा रही है, और गाइस देखिए सभी को अभी जा रहे हैं नदी, और हम लोग घर से नदी 4 से 5 किलोमीटर तक है। तो चलिए आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए, किस प्रकार से वहाँ से बाला लेके आते हैं और अखरा में किस प्रकार से उठाते हैं जवा, वो सारा नियम आप लोग को दिखाएंगे। देखिए गाइस अभी हम लोग गीत गाते हुए आ चुके हैं हम लोग का मेसरा नदी, जो कि हम लोग घर से 4 किलोमीटर है। चलो उधर से चलो। बहुत ही ज्यादा धूप है, हम तो अभी घर से ही नहा के आ गए, क्योंकि ना नदी में थोड़ा डर लगता है। और अभी चुके हैं, और यहाँ पे अभी जितने भी कर्मितिन हैं सभी लोग नहाएंगे, उसके बाद में फिर यहाँ जो डलिया है मेरे पास में उसमें अभी जवा उठाएंगे। छोटी मजा लो, बहुत मजा। आप देखिए अभी किस प्रकार से शुद्ध हो रही है सारे लोग, अभी एक एक करके सभी लोग शुद्ध होंगे। आराम से इधर घंटा भी है, नहाके भी अब मजा आया। अभी हम लोग बाला उठा रहे हैं डलिया में, और इसको लेके चलेंगे अखरा। देखिए अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अखड़ा, यहाँ पे ये अभी हम लोग उठाएंगे जवा, और अभी हम लोग यहाँ पे जवा उठाएंगे, इसके लिए अखड़ा को लिपाई कर रहे हैं। हाँ।
पानी तो ज्यादा डाल, पानी और दही पनीर और पानी तो दादी गाना गा रहे जल्दी आओ। और अभी लगन दादी आएगी, आप लोग करम का गीत सुनाएगी, बहुत मस्त रहती है दादी। वो तो नीचे में पाथी मरा, इतना हो जाएगा ना। इसके बाद हम लोग जो नदी से लेके बालू लाते हैं उसको रखते हैं लिपा हुआ जगह पे, और फिर इसमें 7 तरह के अनाज मिलाने पड़ते हैं, और आप लोग 5 तरह के भी मिला सकते हैं। जैसे कि हम लोग को मिला 5 तरह का, तो हम लोग 5 तरह के ही मिलाए हैं, धान, उरर, जौ, लाहर, मक्का, ये सब। और फिर जितने भी अनाज थे सभी को बालू पे मिक्स किया जाता है, उसके बाद में फिर 3 बार सीधा हाथ से उठा के रखा जाता है डलिया में, और फिर 3 बार उल्टा हाथ से, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग किस प्रकार से डलिया पे जवा उठा रहे हैं। लास्ट में थोड़ा सा बालक को बचाना पड़ता है जिससे हम लोग ऐटला बना सके। जो हम लोग 3 प्रकार के गोल गोल अभी बना रहे हैं जमीन पे, उसको हम लोग के घर साइड में ऐटला बोला जाता है, और इसके ऊपर में फिर जवा को रखा जाता है। अभी जवा उठ के कम्प्लीट हो चुका है, और अभी देख सकते हैं थोड़ा सा चुन्नी से छापा ऊपर दिया जाता है, सिंदूर टीका वगैरह, और उसके बाद में फिर पूजा वगैरह किया जाता है, उसके बाद में फिर से जवा जगाया जाता है। अभी हम लोग जवा उठा लिए हैं, और अभी जवा को जगाएंगे, तो चलिए दिखाते हैं हम लोग किस प्रकार से जवा जगाते हैं। जवा को जगाते टाइम हम लोग जितने प्रकार के अनाज मिलाकर जवा उठाते हैं, उन सारे अनाज का नाम लेके जवा जगाना पड़ता है गीत गाते हुए। जावा को जगाने के बाद में जो बचा हुआ बाला था जिससे हम लोग ऐटला बनाया थे, उस सारा बाला को मिक्स करके फिर से सेम प्रोसेस में 3 बार आगे हाथ से और फिर 3 बार पीछे उल्टा हाथ से उठा के जवा में रखते हैं। उसके बाद में फिर जितनी भी कर्मी 3 जवा उठाई है, वो लोग अपना अपना चिन्ह देती है कि इस प्लेस में मेरा जवा है। और अगर कोई भी जो जवा उठाने के बाद नियम का पालन नहीं करता है, अच्छा से जवा का सेवा नहीं करता है, उनके प्लेस में जवा अच्छा से नहीं बढ़ता है। अभी हम लोग का जवा उठ चुका है, सारा प्रोसेस हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम लोग 3 बार पानी को पूरब की ओर फेंकेंगे, उसके बाद में फिर पैर लग के जवा को उठा के यहाँ से ले जाके मंदिर पे रखेंगे। अभी हम लोग जवा उठा लिए हैं, और चलिए इसको हम लोग मंदिर में रखते हैं, तो आइए दिखाते हैं इधर। और देखिए अभी हम लोग जवा को रख दिए हैं मंदिर में। बहुत से लोग अपने घर में भी रखते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा से ना इसी मंदिर पे रखते हुए आए हैं। देखिए अभी यहाँ बस रख दिए, हम लोग का बजरंगबली का मंदिर है, और इस जवा का अभी है करम पूजा 7 दिन बाकी, और इस जवा का जो अभी हम लोग उठाए उसका भी हम लोग 7 दिन सेवा करेंगे, रोज रात में शाम में इसको जगाना पड़ता है। तो चलिए अभी हम लोग तो उठा लिए हैं, आप लोग से रात में दिखाते हैं कि फिर से हम लोग किस टाइप से जवा को जगाएंगे, कैसे उसका सेवा करेंगे। बाय गाइस, सबको शाम में मिलते हैं, बाय बाय। ये हाई से पगला गाइस।
गाइस, पहली बात तो करम पूजा हम लोग भाई के लिए करते हैं। जितनी भी बहनें होती है अपने भाई के लिए ये करम पूजा करती है। और जैसे हम लोग जवा उठाए सुबह में, आप लोग देखें तो जवा उठाते बस उठाना ही ये नहीं होता है, बहुत से इसके नियम भी होते हैं जो कि उठाने के बाद पालन भी करना होता है। जैसे कि हम लोग जवा उठाए तो गर्म चीज भी नहीं खा सकते हैं कुछ भी। अगर गर्म चीज खाएंगे तो हम लोग का वो जो जवा होता है, जवा पे इफेक्ट पड़ता है, जवा ना पूरा ये जल जाता है। साथ ही हम लोग मीठा चीज भी नहीं खा सकते हैं, मीठा चीज खाएंगे तो हमारा जो जवा है अपना अपना प्लेस पर, जैसे कि आप लोग सबको बताएं कि चिन्ह देना पड़ता है किसका किसका जवा कहाँ पास है। तो अगर हम खा लिए मीठा चीज तो वहां पे चींटी पड़ जाएगा मेरे प्लेस पे, और गर्म चीज खाएंगे तो मेरे प्लेस में जल जाएगा। साथ ही अगर हम लोग बासी चीज भी खाते हैं ना तो थोड़ा वहां ना व्हाइट व्हाइट जो पड़ जाता है ना भकड़ी, वो हो जाता है जवा के ऊपर में। तो यही अगर हम लोग जवा उठाते हैं तो टोटल 7 दिन तक इसका नियम का पालन करना होता है, सारा चीज देख सुन के करना पड़ता है। और क्या आप लोग के साइड में भी ऐसा कुछ नियम है तो बताइएगा, हम लोग की दादी लोग बताते आई है कि ऐसा होता है। और हम लोग जितने भी जवा उठाए कर्मिते वो सब ये सब नहीं खाते हैं। और साथ ही हम लोग को दादी लोग बताती है, मतलब पूर्वज लोग, कि करील खाते है ना जो बांस का होता है, वो खाने से हमारा जावा जो है बड़ा बढ़ता है और सुंदर सा बढ़ता है। और हाँ गाइस, जैसे अभी हम लोग जावा उठा के आए और आज जैसे जावा का हम लोग ये देखभाल कर रहे, सेवा कर रहे हैं, उस तरह से हम लोग को 7 दिन तक सेवा करना है लगातार शाम में। क्योंकि ना जैसे अलग अलग जगह पे कोई 5 दिन के उठाते है, कोई 7 दिन का उठाता है, कोई 9 दिन का उठाता है, उसी हिसाब से हम लोग जितने दिन का जावा उठाते हैं उतने दिन रेगुलर शाम में जवा का सेवा करना पड़ता है अच्छे से नियम से, ताकि हमारा जवा अच्छा से बढ़े। और रोजाना हम लोग को जवा जगाना पड़ता है, और जवा गीत तो अभी जगाने वाले गीत अभी तो आप लोग देखेंगे आगे ब्लॉग में, तो चलिए दिखाते हैं। तो गाइस, हमें जिस पर का इंतजार था अभी देख सकते हैं शाम हो चुका है, और अभी हम लोग जितने भी कर्मी तीन है सारे लोग जाएंगे फिर से जवा जगाने के लिए अखड़ा। गाइस देख लीजिए, जवा जगाने से पहले थोड़ा सा नहीं क्या बोलते हमसे, गंगा जल, गंगा जल, टंकी का जल है, एक टंकी का जल। चलिए अभी सारी कर्मिति लोग आ गई है तो हम लोग जवा निकालते हैं। कोई पानी ले जाए तब तो देखिए हम लोग का जवा, वो लोटा होता है यार। अगरबत्ती बेचारी स्कूल चली गई थी, ब्लॉग में पानी भर के ला दो। हाँ पानी भर के ला गा। अच्छा छोड़, चलो गाइस अभी हम लोग फिर से जवा जगाते हैं। अभी हम लोग जवा जगा लिए हैं शाम वाला, और इसके बाद में अखरा बंधना करेंगे, अखरा बांधेंगे, तो चलिए वो भी आप लोग को दिखाते हैं। आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए। पकड़ो 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 गाइस। तो सरस्वती माई तबल बांधन बजनरी, बंधल झूमर लागल बरी, तबल बांधन बजनरी, बंधल झूमर लागल बरी। पहले जे पूजै सरस्वती माई, तबल पूजलै मोर काली, सिर सेंदूरे लाल साड़ी, तबल पूजलै मोर काली, सिर सेंदूरे लाल साड़ी। मिले आवै लसड़ लुसड़ हठिया, बजे देना गेड़ा जोड़ा,
पश्चिम ले आवे नील घड़िया बजे देना घेरा जोड़ा पाकर थनावा सुखल सुंदर लो मना घेरा चचरैया जोई ले ले सुंदर लो मना घेरा चचरैया जोई ले गुंडू कर गुंडू छड़ी बिंधे को जाए लीला साड़ी घूमे को जाए राजा बाड़ी घूमे को जाए राजा अरे गला बेटा करे झिका छोरी रे फाइट गे लीला साड़ी फाइट गे लीला साड़ी ठकर रे हम लोग अभी जैसे जवा जगाए हैं अभी लगातार 7 दिन तक ऐसे ही जवा का सेवा करेंगे एवरी इवनिंग हम लोग रोज जगाएंगे उसको और पूरा नियम से नियम कानून के साथ में हम लोग जवा का सेवा करेंगे। देखिए गुड नाइट गाइस कैमरामैन तो गाइस चलिए अभी ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो और कौन कौन करम पूजा कर रहे हैं और किनके किनके साइड में जवा उठ गया है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा।